आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलवाई स्टाइल गोभी मटर आलू की सब्जी। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा बनी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है बुरा लगता है दोनों ही केस में आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं तो कमेंट्स करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल वीडियोस पर क्लिक करें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। हलवाई स्टाइल गोभी मटर आलू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है। आलू को मैंने काट कर धोकर और स्ट्रेनर की सहायता से छान लिया था ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब कुछ निकल जाए। अब मैं आलू को तेल में फ्राई करूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसको मुझे तब तक फ्राई करना है जब तक कि आलू थोड़े से गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। जब भी हलवाई बनाते हैं तो वो हमेशा फ्राई करके ही बनाते हैं, इसीलिए मैं भी यहाँ पर आलू और गोभी को पहले फ्राई करूंगी। गोभी को भी मैंने काट कर 2 से 3 बार पानी से धोकर उसका पानी छानकर तब यहाँ पर ऐड किया है। जब आलू हमारे हाफ फ्राई हो गए थे उसी स्टेज पर मैंने गोभी को भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो पहले आलू को फ्राई करके निकाल लीजिए उसके बाद गोभी को ऐड कीजिए, लेकिन क्योंकि गोभी ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाती है इसलिए जब आलू आधे फ्राई हो गए थे उसी स्टेज पर मैंने गोभी को भी ऐड कर दिया था ताकि हमारा 2 स्टेप बच जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और गोभी पर भी हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। तो हम गोभी और आलू को निकाल कर एक प्लेट में अलग रख लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास जितना ऑयल बचा हुआ है उसी में हम अपनी सब्जी के मसालों को भून लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 स्पून जीरा, चुटकी भर हींग, उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ प्याज और हरी मिर्च। प्याज अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, अदरवाइज आप प्याज के बिना भी बनाएंगे तब भी ये गोभी मटर आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं प्याज और हरी मिर्च को भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लूँगी। आपको इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज और हरी मिर्च फ्राई होते होते गोल्डन कलर के हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गए हैं। तो इसी स्टेज पर मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 बड़ा टमाटर जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। तो अब हम टमाटर को भी भून लेंगे। टमाटर प्याज में फ्राई की हुई गोभी बहुत ही टेस्टी लगती है तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, सूखा धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। सभी को आपस में मिक्स करेंगे और हम इसको तब तक भून लेंगे जब तक कि टमाटर और प्याज अच्छे से कुक ना हो जाएं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कुक हो गए हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी एक ट्विस्ट जो है पाव भाजी मसाला। आप किसी भी सब्जी में 1/2 स्पून पाव भाजी मसाला डाल दीजिए, फिर आप देखिए उसका टेस्ट कितना अमेजिंग आएगा। तो बस यहाँ पर पाव भाजी मसाला डालने के बाद जो गोभी और आलू हमने फ्राई करके रखे हुए थे उनको भी ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आ गया है। जो हमने मसाले डाले थे जैसे जैसे ये गोभी और आलू पर कोट हो रहे हैं वैसे वैसे गोभी और आलू की रंगत निखरती जा रही है। तो इस तरह से हल्का सा मिक्स करने के बाद मेरे पास है फ्रोजन मटर। आपके पास अगर फ्रोजन मटर नहीं है, फ्रेश मटर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मटर को ऐड कर दीजिए, सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कीजिए। नमक मसाले सब कुछ हम डाल चुके हैं तो बस अब हमें इसे 5 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करना है ताकि मसालों के साथ गोभी मटर आलू अच्छे से कोट हो जाएं। वैसे तो ये आधे कुक हो चुके हैं गोभी और आलू क्योंकि हम इसको फ्राई कर चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कुक हो जाएं इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पर 1/2 गिलास पानी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद इसको ढककर मैं लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी।
बीच में एक दो बार मैंने इसको चलाया है और अब आप देखिए वाओ गोभी मटर आलू कितने ज़्यादा ऑसम लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, परफेक्टली कुक हो गए हैं, गोभी और आलू अच्छे से पक गए हैं। मैं आपको गोभी का एक पीस कट करके भी दिखाती हूँ। अगर इजीली कट हो रहा है इट मीन्स कि गोभी अच्छे से पक गई है। तो बस तैयार है हमारा गर्मा गर्म हलवाई स्टाइल गोभी मटर आलू। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप चॉप करके हरा धनिया भी ज़रूर ऐड कीजिए, गोभी मटर आलू का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा खट्टा पसंद तो फिर उसके लिए आप आधा नींबू भी यहाँ पर स्क्वीज कर सकते हैं, स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से गोभी मटर आलू को सर्व किया है। आशा करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग टेस्टी हेल्दी इजी रेसिपीज के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड नमस्ते इंडिया।